नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं मनीष सोनी फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक नई क्लास के साथ। भानु प्रताप आई एम प्रेजेंट। रेखा गोला गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग रेखा जी। अंकित जोशी हेलो, अंकित जोशी नो सर, क्या नो अंकित, क्या बोल रहा है, क्या नो सर। चलिए सभी विद्यार्थी जुड़ गए हैं। आज एक बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के हम चल रहे हैं हमारी लाइव में। देखिए टॉपिक क्या है, टॉपिक है परसेंटेज पार्ट 01 प्रतिशत की बात करेंगे आज। स्टार्टिंग से जीरो से सीखेंगे। आकांक्षा राजपूत गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। खुशबू गुड इवनिंग। नीरज राधे राधे सर। मिस्टर गौरव पानोरी राम राम गुरुजी। राखी राम राम, सभी का स्वागत है। और एक बात ध्यान रखिए, यहाँ हम परसेंटेज को बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे और टॉप तक। क्यों? क्योंकि ये अकेला टॉपिक नहीं है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई और सीआई, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, है ना, ये सब एक ही टॉपिक है मेरे हिसाब से। सब में वही परसेंटेज है, सब में वही घूम फिर के परसेंटेज आ जाता है। तो हर एक चीज की बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और एक और बात, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जो भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, पहले आप सबको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। और कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए मैं आपके साथ हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो बेफिक्र रहिए। चलिए परसेंटेज जीरो टू हीरो वाली क्लास, है ना, जीरो टू हीरो वाली क्लास में आप सबका स्वागत है। आज बात करेंगे परसेंटेज टॉपिक की। और ये परसेंटेज टॉपिक जो है वो कई चीज़ों में आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक बात और ढंग से सुनना, पूरी वीडियो सभी बच्चों को लाइव देखनी है, पूरी वीडियो सभी बच्चों को लाइव देखनी है। एक बार लाइक और शेयर कर दो वीडियो को, कोई जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है। क्यों? क्योंकि इससे और पांच टॉपिक जुड़े हुए हैं आज की क्लास से। आज मैं आपको पढ़ाने वाला कुछ नहीं हूँ, आज केवल आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बस। परसेंटेज है क्या, किस तरीके से उसका यूज किया जा सकता है, और परसेंटेज को हम कितने तरीके से पढ़ सकते हैं। गौरव पानोरी गुरु जी की है, कल के वो क्वेश्चन करा दो। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, बिल्कुल कल के क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, अभी बिल्कुल करा दूंगा, बेफिक्र रहिए। आज की क्लास स्टार्टिंग से पहले मैं आपके कल के क्वेश्चन क्लियर करा दूंगा, है ना। कल क्वेश्चन दिए थे दो, शायद आप लोगों ने नहीं किए हैं, आई थिंक लिए होते तो नहीं पूछ रहे होते। बिल्कुल कल वाले आपके क्वेश्चन करा दूंगा मैं। और कोई प्रिया होलकर, राधे राधे सर, राधे राधे प्रिया जी। चलिए सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और मैं जो बता रहा था वहीं कंटिन्यू करता हूँ। आज की क्लास में केवल और केवल अपन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। परसेंटेज क्या है, परसेंटेज का यूज कैसे कैसे अपन कर सकते हैं, क्या परसेंटेज को भिन्नों की तरीके से पढ़ सकते हैं, क्या परसेंटेज को कोई अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। और एक और बात, देखो मेन चीज, आप परसेंट को कैसे भी पढ़िए, आप परसेंटेज को कैसे भी पढ़िए, डिपेंड ये करता है कि जो प्रश्न आएंगे पेपर में क्या वो आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, बस, ठीक है। तो मेन उद्देश्य तो हमारा ये रहेगा कि जो भी हमारे एग्ज़ाम में, जो भी हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन हमसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनकी बात करेंगे। इरफान खान राम राम गुरु जी, राम राम इरफान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए तो एक बात याद रखनी है हमें कि कॉन्सेप्ट समझनी है चीज़ों को एक एक करके। शुरुआत करते हैं बिल्कुल परसेंटेज की। देखिए बात कर लेते हैं प्रतिशत की। तो प्रतिशत है क्या, पहली बात तो देखिए, PERCENT परसेंट, हिंदी अर्थ बात करें हम, प्रतिशत, ठीक है, क्या है परसेंट। तो देखिए हमने इंग्लिश में पढ़ा, इंग्लिश में पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, पर है, पर का मतलब क्या होता है, प्रतीक, सेंट, सेंट का मतलब होता है सौ, अर्थात प्रत्येक सौ, प्रत्येक सौ, ठीक है। हिंदी में बात करें प्रति, प्रति मतलब प्रत्येक, तत् मतलब, कहने का मतलब परसेंटेज है क्या। तो परसेंटेज जो है वो प्रत्येक सौ पर काम में ली जाने वाली इकाई है, प्रत्येक सौ पर काम में ली जाने वाली इकाई है। बात समझ में आ रही है, परसेंटेज क्या है।
प्रत्येक 100 पर काम में ली जाने वाली इकाई परसेंटेज है। जैसे फॉर एग्जांपल ईश्वर गुर्जर, जय श्री राम गुरुजी, जय श्री राम भैया। देखिए क्या है बीमारी वो सुन लीजिए आप। जैसे हमने मान लीजिए बात की 10 गायों की, है ना, कोई राम है, मान लीजिए राम, मिस्टर राम, राम के पास जो है वो 10 गाय है, ठीक, और इन 10 गायों को हम बात करना चाहते हैं प्रतिशत में कि कितने प्रतिशत हैं। तो यहां 10 की जो काउंटिंग है वो होगी प्रतिशत, अर्थात प्रत्येक 100 पर काउंट करनी पड़ेगी, प्रत्येक 100 पर। या फिर एक और उदाहरण देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपके लिए लेता हूं। दो विद्यार्थी हैं, एक ए है एक बी है। ए को मिले मान लीजिए किसी एग्जाम में 700 नंबर, एग्जाम था उसमें 700 नंबर मिले। बी को किसी एग्जाम में मिलते हैं मान लीजिए 1600 नंबर, ठीक, एग्जाम था, ए को मिले 700 नंबर, बी को मिले 1600 नंबर, ठीक। अब बात हुई क्या, अभिनव चरण स्पर्श गुरुजी, अभिनव बहुत बहुत स्वागत है आपका बेटा। अब बात यह हुई ए को 700 मिले, बी को 1600 मिले, दोनों में बात शुरू हुई। ए ने कहा बी से कि यार तुझे तो 1600 नंबर मिले और मुझे देख केवल 700 ही मिले, मेरे नंबर तो बहुत कम है, तेरे बहुत ज्यादा है। दोनों में आपस में बहस होने लगी, दोनों मेरे पास आए कि सर बी को मिले 1600 नंबर, मुझे मिले 700 नंबर। अब बात आई मिले कितने में से हैं, इसके ज्यादा है इसके कम है, मिले कितने में से। मान लीजिए ए को मिले हैं 700 नंबर 800 में से, बी को मिले हैं 1600 नंबर 2000 में से। सर कितने में से भी मिले हों, चाहे 2000 में से मिले हों, चाहे 800 में से मिले हों, लेकिन बात तो यहां पर यह आ रही है कि नंबर हैं बी के ज्यादा, तो मैंने उन्हें सेटिस्फाइड करने के लिए परसेंटेज के तरीके से समझाया कि भाई देख इसको मिले 700 नंबर, मिले कितने में से 800 में से, 800 में 700, और इसको मिले 1600 नंबर, मिले कितने में से 2000 में से। क्लियर। अब मैं इनको परसेंट में कन्वर्ट करता हूं, देखता हूं किसको कितने परसेंट ज्यादा मिले या किसको कम मिले। क्या किया, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई 100 कर दिया। क्यों, क्योंकि 100 पर काम में ली जाने वाली इकाई, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 700/8, तीन जीरो से तीन जीरो कैंसिल, 160/2, दो से काटा इसको मिले 80% नंबर, इसको 8 × 7 = 56, 8 × 9 = 72, 8 × 8 = 64, 64 गया बचा कितना 6, 8 × 7 = 56, लगभग 87% और इसको मिले 80%। अब बताओ ए के नंबर ज्यादा है या बी के, भाई नंबर तो ए के ज्यादा है। इस कॉन्सेप्ट को हमने समझा क्या, 100 को आधार मान के, कि अगर इसको भी 100 मिले होते 100 में से और इसको भी 100 में से मिल रहे होते, इसको 100 में से मिलते कितने, लगभग 87 नंबर, इसको 100 में से मिलते कितने, लगभग 80 नंबर। एक को 100 में से 87 मिले, एक को 100 में से 80 मिले, तो बताओ इसके ज्यादा हुए नंबर या इसके ज्यादा, भाई ए के ज्यादा हुए, जाहिर सी बात है। चलिए एक और बात अपन करते हैं। देखिए यहां एक और बात, कुछ कॉन्सेप्ट, भानु प्रताप 87.5, हाँ भानु जो भी आ रहा है, एक्स वाई जेड डजंट मैटर, मैंने बता दिया लगभग 87 है ना, और आप तो कॉन्सेप्ट समझिए, चीजों को पकड़िए किस हिसाब से क्या करना है। परसेंटेज, प्रत्येक 100 पर काम में ली जाने वाली इकाई, परसेंटेज का मतलब ही क्या है, प्रत्येक 100 पर काम में ली जाने
वाली इकाई प्रतिशत कहलाती है। बात करें परसेंटेज के चिन्ह की, तो सर ये चिन्ह होता है इस हिसाब से। अब इस चिन्ह की वैल्यू क्या है वो सुनिए, यहां समझ लेना एक एक चीज को। ये चिन्ह है परसेंटेज का, और इस चिन्ह का अर्थ क्या है? इस चिन्ह का अर्थ है सर प्रत्येक सौ, अर्थात यदि ये चिन्ह हटाना है, इसका मतलब ही क्या है, प्रत्येक सौ पर काउंट हो रहा है। कितने पर काउंट हो रहा है? प्रत्येक सौ पर। अच्छा, एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था ये चिन्ह का अर्थ क्या है, बताओ। या ये तो हो गया परसेंट, प्रत्येक सौ पर काउंट, ये क्या लिख रहा है, ये किस चीज का चिन्ह है? लग तो परसेंट जैसा ही रहा है, किस चीज का सर? भाई ये जो चिन्ह है किस चीज का है? ये तो परसेंट का हो गया ऊपर वाला, ये किसका है? तो देखिए सुनिए, पर सेंट का तो ये हो गया, और इसके पीछे एक जीरो और सौ के पीछे एक जीरो और बढ़ाओ तो क्या हो गया, हजार, अर्थात प्रत्येक हजार, प्रत्येक हजार पर, पर थाउजेंड, पर थाउजेंड का चिन्ह है ये। एक और बिंदी बढ़ाऊंगा, पर टेन थाउजेंड, दस हजार। इकाइयां बदलती रहेंगी, जीरो बढ़ती रहेंगी जितनी बिंदी बढ़ेंगी। यहां पर सेंट दो थी तो सौ, यहां तीन है तो हजार, चार होती दस हजार, उस हिसाब से काउंटिंग बदलती रही है। अब ये पर थाउजेंड वाला चिन्ह जो है, बिल्कुल भानु प्रताप, ये पर थाउजेंड वाला चिन्ह कहाँ काम में लिया जाता है, सुन लीजिए। जैसे किलोग्राम, भाई एक किलो में एक हजार ग्राम, जैसे लीटर, एक लीटर में, सॉरी एक लीटर में एक हजार मिलीलीटर, इस हिसाब से ये काम में लिया जाता है। ये दो बातें हुई। अब आपको पूरे टॉपिक में सुनिए, कौन कौन से टॉपिक में, पहला टॉपिक आपका प्रतिशत, दूसरा टॉपिक आपका बट्टा, तीसरा टॉपिक आपका लाभ और हानि, चौथा टॉपिक आपका साधारण ब्याज, पांचवा टॉपिक आपका चक्रवर्ती ब्याज। इन सब टॉपिकों जो हम पढ़ेंगे तो आपको तीन चीजें याद रखनी है, सिर्फ तीन चीजें बस। इन तीन चीजों के आधार पर प्रत्येक प्रश्न आपका हो जाएगा और सभी प्रश्न हम कर लेंगे। कौन सी तीन चीजें याद रखनी है? पहली बात आपको याद रखनी है कि यदि इस परसेंट के चिन्ह को हमें लगाना है कहीं, तो मल्टीप्लाई हंड्रेड का करना है। देखिए मैं यहां जो पढ़ा रहा हूं वो उन बेसिक बच्चों को लेकर के चल रहा हूं जो गणित में बिल्कुल नए हैं अभी। जब आप ये चीजें सीख जाओगे तो फिर मैं आपको परसेंटेज का दूसरा लेवल बताऊंगा, पहले आपको ये तो आना चाहिए। नंबर एक, परसेंट का चिन्ह लगाना है तो गुणा में सौ। नंबर दो, अगर ये चिन्ह कहीं है और आपको इसे हटाना है तो इसका मतलब ही होता है बटे में सौ। और तीसरी बात, थर्ड, यदि कहीं प्रतिशत में आपको वृद्धि करनी है या कमी करनी है तो आप सौ में जोड़ोगे और सौ में घटाओगे। बस ये तीन बातें याद रखनी है। दोबारा सुन लो, परसेंट लगाना है तो गुणा में सौ करना है, परसेंट हटाना है तो बटे में सौ करना है, परसेंट में वृद्धि या कमी करनी है तो सौ में जोड़ना है और सौ में घटाना है। तीनों बातें याद रखनी है, अभी आने वाली हैं तीनों बातें। चलिए यहां तक कुछ बातें क्लियर हुई। सौ पर जो चीज काम में लिया, जैसे हमने मान लो सौ रुपये थे, इनमें से बीस रुपये खर्च कर दिए, कितने परसेंट कर दिए? बीस परसेंट खर्च हो गए। इन बातों की अपन बात करेंगे, पहले ये बातें सुन लो। प्रत्येक सौ पर काम में ली जाने वाली इकाई क्या कहलाती है? प्रतिशत कहलाती है। प्रतिशत का चिन्ह ये होता है, इसका मतलब है प्रत्येक सौ, प्रत्येक सौ पर पांच, जैसे कहीं लिखा गया पांच परसेंट, इसका मतलब क्या है? पांच, किस पर? प्रत्येक सौ पर, तो सौ पे पांच, ठीक है। ये जो चिन्ह है ये है पर थाउजेंड का, पर थाउजेंड, प्रत्येक हजार, क्लियर। जैसे यदि कहीं, चलिए मैं अगली स्लाइड ही ले लेता हूं डायरेक्ट, सुनना बातों को। यदि कहीं लिख रहा है पांच परसेंट, इसका मतलब क्या है? पांच है, परसेंट का मतलब प्रत्येक सौ पर, अर्थात पांच है किसमें से? सौ में से। अगर बात होती पांच और ये चिन्ह होता,
इसका मतलब क्या है? पर थाउजेंड, फाइव पर थाउजेंड अर्थात पांच, और किस पर? प्रत्येक हजार पर, वन थाउजेंड। कैसे लिखता? पांच बटे एक हजार। क्लियर? याद रहेंगे, ये चिन्ह पूछा जा चुका है एक बार, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता रहा हूं यही, बाकी तो अलग से कहां लेते, तो यही ले लिया है परसेंटेज में। बातें समझ में आ रही है? पांच परसेंट, परसेंट मतलब प्रत्येक सौ, प्रत्येक सौ पर काम में ली जाने वाली इकाई परसेंटेज है। पर थाउजेंड, प्रत्येक हजार पर काम में ली जाने वाली इकाई पर थाउजेंड है, इस हिसाब से लेंगे। अब हम बात करते हैं कॉमन। कॉमन क्या कि सुनते जाइए, यदि हम प्रतिशत को कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में, अर्थात भिन्नों में आना चाहिए, प्रतिशत को भिन्नों में बदलना हमें आना चाहिए, जाहिर सी बात है। जैसे मान लीजिए, सुनना, कहीं आया 50%, 50%, 50% का मतलब क्या हो गया? 50% को हटाऊंगा, जब भी परसेंट हटेगी बटे में क्या आएगा? जीरो से जीरो, पांच दूनी दस, अर्थात एक बटे दो। 50% मतलब एक बटे, बाकी हम 50% की वृद्धि होती है, 50% की कमी होती है, ये बात बाद में करेंगे। मतलब एक की वृद्धि हुई दो पे तो क्या हो गया? तीन बटे दो, ठीक है। एक की कमी हुई दो पे तो क्या बचा? दो में से एक गया तो एक बटे दो। चलिए, तो ये वृद्धि कमी बाद में देखेंगे, पहले बात करते हैं परसेंट, प्रतिशत और भिन्न में कन्वर्ट करना। 50% का मतलब हो गया एक बटे दो। अच्छा, इसी के परिवार से है 25%, ठीक है। याद रहे तो बहुत अच्छा है, याद कर भी लीजिए तो ज्यादा आसान रहेगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कहीं आ जाता अभी 800 का 50% होगा, हम क्या करते? हम करते 800 मल्टीप्लाई 50% ढाई बटे में 100, जीरो से जीरो, अठपन 40, 400 होगा। जबकि अगर हमें इसका परसेंट फ्रैक्शन में वैल्यू याद है तो हम क्या करते हैं? 800 का 50%, बड़ा आसान है यार। 800 का 50% का मतलब आधा करना है, एक बटे दो, कितना आ गया? 400 आ गया। क्लियर? अब देखिए, जैसे मान लीजिए भानु प्रताप 0.5, आगे चलते हैं 25%, इसका आधा हुआ 25%, तो होगा क्या? 25% हटाया बटे में 100, 25 चौक 100, अर्थात एक बटे चार। भाई एक बटे दो का आधा नीचे वाले दो में गुणा कर दिया, एक बटे चार हो गया। चलो इसका भी आधा करते हैं तो 12.5%, 12.5% का मतलब, तरीका तो वही है करने का, 12.5/100, परसेंट हटाऊंगा तो बटे में 100, ये भी हटाया जीरो आ गया, पॉइंट हटाया तो 25 से काटा, 25 पंजे 125, 25 चौक 140, 5 एकम 5, 15 40, 1/8। मान लीजिए प्रश्न आ जाए 800 का 12 सही 1/2% होगा, अब हम क्या करें? 800 इंटू 12 सही 1/2% हटाया बटे में 100, आगे 800 गुणा 12 दूनी 24 और एक 25/2/100, दो जीरो से दो जीरो कट, 8 इंटू 25/2, दो से काटा 4, 25 चौक कितना आया? 100, कितना आया? 100। अब हम इतना बड़ा इसको करके देंगे तब उत्तर आ रहा है 100, जबकि यदि हमें फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू पता है तो सीधा सीधा कर देंगे। क्या 800 का पूछा है सर 12.5, या हम कहें 12.5, 12 से ही 1/2% होगा, तो 800 का 1/2% क्या होगा? तो सुन लीजिए क्या होगा, सीधा निकाल लेंगे। जब हमें याद है फ्रैक्शन कि 800 का 12.5 का मतलब क्या है? 1/8, तो 800 का 1/8 निकालना है, 1/8, 8 का भाग दिया 100, एकम 100। डिफरेंस समझ में आ रहा है चीजों का? नितेश एंड हेमा जी, राधे राधे सर जी, राधे राधे सर, राधे राधे, बात समझ में आ रही है? अभी मैंने 800 का आपको 12.5% बेसिक से निकाल के दिखाया था, एक बार भले और देख लो। 800 का 12 से ही 1/2% होगा,
देन 800 इंटू 12 से ही 1/2% हटाया बटे में 100, 800 इंटू 12 दूनी 24 और 1/25 2/100 क्या हो गया, 800 इंटू 25 100 ऊपर गया तो क्या हो गया 200, 2 0 2 0 2 4 8 25 4 100। अब मैं इतना करने के बाद यदि उत्तर ला रहा हूं 100 तो व्यर्थ है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि यही आ रहे हैं, देखिए आप भाई 12.5 का मतलब क्या है। आज की क्लास देखिए, आज मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा आपको, केवल आप समझाने की चीजें हैं बस, मतलब एक मैप तैयार कर रहे हैं अपन, क्या चीज हमें पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। 12.5% का अर्थ 12.5/100, 5/40 मतलब 1/8। मैंने सीधा सीधा कर दिया, 800 का 12.5% होगा तो 800 का 12.5 का मतलब याद है मुझे क्या, 1/8, तो 1/8 8 से कहता 800, 100 एकम 100, 100 आ गया। अच्छा मान लीजिए याद भी नहीं है तो मैं निकाल भी लूंगा, 12 दूनी 24 और 1/25 मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ। देखिए अगर मुझे निकालना भी है तो 12.5/100 पॉइंट हटाया 0, 25 5 125, 25 4 100, 5 1 5 और 5 8 40 1/8। क्लियर है, बातें समझ में आ रही हैं? ऐसे भी कर सकते हैं। इसी क्रम में मैं आगे चलता हूँ, थोड़ा सा और ध्यान देते हैं इन चीज़ों पर। देखिए मान लीजिए ये 50 था, आधा हो गया, 50 का आधा किया 25, आधा हो गया 1/8, इसका भी आधा किया तो 1/8 हो गया। आगे चलते हैं, यदि मैं इसका भी आधा कर दूं मतलब कि 6.25% या फिर 6 से ही 1/4 तो क्या आएगा, तो देखिए 6.25% हटाया बटे में 100, पॉइंट हटाया 20 बनी, 25 से काटा 25 दूनी 50, 25 5 125 बटे 25 4 100 400, 25 1 25, 25 1 25 कितना आया, तो यहाँ आ गया 25 गया तो कितना बचा 15 150, 25 6 150 तो 1/16। एक ही परिवार चल रहा है, अभी हम आगे बढ़े ही नहीं, अभी हम उसी परिवार को लेके चल रहे हैं, 50 का आधा, 25 का आधा, 12.5 का आधा, 6.25। यहां से हमें ये चीजें निकल के प्राप्त हो रही, मैं आपको करके बता रहा हूँ सॉल्व साथ के साथ, फ्रैक्शन कन्वर्ट भिन्न और भिन्न से कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉरी परसेंटेज कन्वर्ट इंटू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन कन्वर्ट इंटू परसेंटेज, भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, हम प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हैं, 50% = 50/100 अर्थात 1/2, 25% = 25/100 अर्थात 1/4, 12.5% = 12.5% 100 काटा पीटा 1/8 आया, 6.25 इसका आधा किया तो इसका, देखो हर एक में आधा कर रहे हैं, नीचे 2 का गुणा हो रहा है, 2 का गुणा 4 का गुणा 2 8 का गुणा 2 16। अब देखिए, अब मैं इन्हीं को आधार मान के आगे चलता हूं, इन्हीं को यदि आधार माने तो इनके परिवार में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, तो सुनिए, यदि मैं 12.5 को उठाऊं यहां से, 12.5 था, 12.5 का मतलब था 1/8, कितना था 1/8, 12.5 का दोगुना करूं, 12 दूनी 24 और 1/25 का हमारे पास पहले से मान 1/4, 12 का 3 गुना करना, 12 3 36 और 5 3 15 अर्थात 37.5, कितने गुना किया 3 गुना, क्या आएगी भिन्न, 1 का भी 3 गुना कर दो 3/8 आएगी। पूछ ले प्रश्न कहीं, बताइए सर 800 का 37 से ही 1/2% होगा, कुछ मत करना 800 का सीधा कर देना, याद है 3/8, 8 से काटा 100 × 3 कितना आया 300, बात खत्म। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं, 37 हो गया, फिर 4 गुना करूंगा, 3 गुना किया, अब 4 गुना किया, 12 4 48 5 4 20 50% है ये पहले से 1/8, 5 गुना किया 12 5 60 और 5 25 अर्थात 62.5%, जब 5 गुना किया तो 1/8 का भी 5 गुना कर दिया, क्या आ गया 5/8,
आपसे पूछे 12.5%, 37.5%, 62.5%, गौतम खटाना, राम राम गुरुजी, राम राम गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए 62.5 हो गया। अब 5 गुना किया, मान लीजिए मैं 6 गुना करूं, कितना आया? 75%। भाई 6 गुना किया, 12.5 60 है ना, 72 और 5 30, अर्थात 75% पूछ लिया जाए मतलब। तो 6 गुना किया तो क्या हो गया, 6/8 काटा 2 से 2, 2 3 6, 2 4 8, अर्थात 3/4। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसी खंड में, 50% 25% 25% का 3 गुना करो, 25 थी 75%, तो 3/4 हो गया। लीजिए 75% बराबर 3/4, क्लियर है? एक ही परिवार घूम रहा है चारों तरफ, 50% मतलब आधा, 25% मतलब उसका आधा, 12.5 उसका आधा, 6.5 उसका आधा, 75% मतलब 25 का 3 गुना कर लो, चाहे इसका आप कर दो 6 गुना। अच्छा 7 गुना यदि हम करें, सोचो 12.5 × 7 करें, 7 × 5 = 35 की 5 हासिल 3 लगा पॉइंट, 7 × 2 = 14 15 16 17 की 7 हासिल लगी 1, 7 × 1 = 7 और 1 = 8, 87.5 87.5। यदि प्रश्न में आ जाए कि 87.5%, इट मीन्स कितने गुना किया था, 7 गुना, तो 1/8 का भी 7 गुना कर दो, 7/8। एक ही खानदान के चल रहे हैं सभी बच्चे यहां तक, ठीक है भाई। 12.5% 1/8, इसका 3 गुना किया तो 3/8, 5 गुना किया 5/8, 7 गुना किया 7/8। अब हम देखते हैं इसे, चलिए छोड़िए आगे की बात बाद में देखेंगे, पहले आपको ये बताओ ये बातें समझ में आ रही हैं भाई? प्रतिशत को फ्रैक्शन में अपन चेंज कर रहे हैं, भिन्नों में बदलना आ रहा है आपको। मान लीजिए अब कहीं कोई प्रश्न आया कि सर 400 का 87 से ही 1/2% होगा, तो क्या ऐसे करोगे क्या, 400 × 87 से ही 1/2% हटाया बटे में 100, फिर आगे किया 400 × 87 का दोगुना, 7 × 2 = 14 और 8 × 2 = 16, 175, 174 और 175, 175/2 × 0, 0, 2 0 से 2 0, 2 से काटा 2 बार, कितना आ गया साहब, 300 आ गया, सॉरी 8 × 2 = 16 160 और 7 × 2 = 14 174 और 175 है ना, 2 से काटा 2, 175 × 2 = 350। क्लियर? अब इतना ना करने की बजाय आप ऐसे कर देना, 400 का 87 सही 1/8, 87 किसका, 12 × 7 = 84 + 7 = 35, अर्थात इसका हो रहा है 7 गुना, तो 7/8 58 = 40 + 7 = 35 आ गया 350। डिपेंड आप पे करता है करना क्या है, है ना। आज केवल हम चीजों को समझ रहे हैं, आज हम केवल चीजों को समझ रहे हैं, कल से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारे परिवार नोट करवाऊंगा। अब सुनिए, अब चलते हैं अगली स्लाइड पे, ठीक है, केवल सुनना और समझना है। दूसरी बात, यदि कहीं फ्रैक्शन हो अर्थात भिन्न हो और भिन्न को मैं प्रतिशत में बदलूं, भाई उल्टा सीधा दोनों तरफ से आना चाहिए, हमने अभी प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदला था, भिन्नों को सॉरी प्रतिशत को भिन्नों में बदला था, अब हम बात कर रहे हैं भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। ये वो कॉन्सेप्ट की चीज़ें जो आपको आनी ही चाहिए। कई बार ऐसा होता है प्रश्न में कोई तरीका नहीं लगता, वैसे ही नॉर्मली इनसे कॉन्सेप्ट से हल हो जाता है। तो देखो मान लीजिए कहीं आया कोई भिन्न आ गई, जैसे आ गई 2/3, 2/3, या मान लीजिए 1/2 से शुरुआत करता हूँ मैं, कोई भी भिन्न ले लो एक्स वाई जेड, जैसे 1/2, अब मुझे प्रतिशत में बदलना है। याद करिए मैंने आपको अभी इससे पिछली स्लाइड में, यहां यदि कहीं परसेंट का चिन्ह लगाना है तो गुणा में क्या करना है, 100 बताया था। अब देखिए हमें यहां परसेंट लगाना है तो गुणा में क्या कर दूं, 100 किया मैंने,
वन बाई टू इंटू हंड्रेड और आ गया परसेंट, 2 से काटा 50, तो कितने परसेंट, 50%। मान लीजिए यहाँ होता 2/3, क्या करता, 2/3 इंटू हंड्रेड, 200 अपॉन 3, 3 6 18 बचा 2, 3 6 18 2 अपॉन 3%। मान लीजिए होता 5/8 बराबर, तो क्या करता, 5/8 गुना में 100 बराबर 500/8 भाग देता, दिया 8 45, 8 6 48 बचा 2, 8 2 16 बचा 4, 58 40 62.5%। कहीं होता 2 सही 3/4 कन्वर्ट इंटू परसेंटेज, 2 सही 3/4 को परसेंट में बदलिए, क्या करता सर, तो देखिए क्या करता, 4 2 8 पहले हाँ सिंपल फ्रैक्शन, 4 2 8 8 और 3 11/4 चेंज इंटू परसेंटेज इंटू 100। जब भी परसेंट में बदलना है गुणा 100 का करना है, 4 से काटा 25, 25 चौक 100, 11 का भाग दिया 11 पन्ना 55, 55 की 5 हासिल 5, 11 2 22, 22 और 5 27, 275% आ गया। कहीं बात यदि हमने की कि सर मान लीजिए 7/12 कन्वर्ट इंटू परसेंटेज करते हैं, 7/12 को परसेंटेज में जब कन्वर्ट करेंगे इंटू किसका करेंगे, 100 का, 700/12 ठीक। आगे सॉल्व करते हैं, 12 5 60, 12 5 60 बचा कितना, 10, 100 हो गया, 12 7 84, 12 8 96, 12 8 96 गया, 4 बचा लगा पॉइंट बड़ी 0, 12 3 36, या फिर मैं लिख देता हूँ 4/12, चलिए 4 1 4 4 3 12 मतलब 58 सही 1/3%। क्लियर, यहाँ हमने दूसरी बात समझी, भानु प्रताप 50 हाँ जो भी है। देखिए अब हमने दो बातें समझ ली हैं, याद रखना कल से मैं शुरुआत करवाऊंगा, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज मैं कई सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। पहली बात हमने बड़ी प्रतिशत को भिन्न में बदलना आया हमको, आया ये मान 1/8, 3/8, 5/8, 7/8, 4/3 या 1/16, 1/8, 1/4, 1/, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। परसेंट में कन्वर्ट करना सीखे, भिन्नों में बदलना सीखे, फिर हमने भिन्नों को प्रतिशत में बदला। अब हम बात कर रहे हैं अनुपात की, रेशो है ना, अब हम बात कर रहे हैं रेशो, क्या तीसरी चीज, अनुपात इंटू परसेंटेज प्रतिशत एंड प्रतिशत इंटू रेशो, ठीक है, क्या बात कर रहे हैं, रेशो चेंज इंटू परसेंट, करते हैं रेशो को चेंज करते हैं परसेंट में, कैसे करेंगे सर, मान लीजिए कहीं आया 2:5, कहीं आया राम और श्याम के मध्य 2:5 का अनुपात है, अब ये अनुपात हमें परसेंट में चेंज करना है, करते हैं सर कैसे, तो आपको याद हो कि ए अनुपात बी है तो उसे ए अपॉन बी लिख सकते हैं, रेशो मैंने आपको पढ़ाया है, रेशो में आपको बताया था ए रेशो बी है तो ए अपॉन बी लिख सकते हैं, सेम वही करते हैं, 2:5 को प्रतिशत में बदलना है 2/5 लिख सकते हैं। जब भी कोई चीज़ हमें प्रतिशत में बदलनी होती है अर्थात परसेंट लगाना होता है तो मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, 5 से काटा 20, 20 दूनी 40, हाउ मैनी 40%, कितना परसेंट आया बोलो। देखिए ये चीज़ें आपको आनी चाहिए बेटा, परसेंट से भिन्न बनाना, भिन्नों से परसेंट बनाना, परसेंट से अनुपात बनाना, अनुपात से परसेंट बनाना, सामान्य संख्याओं को परसेंट में बदलना और परसेंट को सामान्य संख्याओं में बदलना, कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट की हैं जो आपको आनी चाहिए। चलिए देखिए सभी विद्यार्थी जुड़े रहिए बस, है ना, मान लीजिए कहीं आ गया 7:8 चेंज इंटू परसेंट, बताओ एक बार करके बताओ 7:8 को क्या परसेंट लिख सकता हूं मैं, 7:8 को कितने प्रतिशत बना सकता हूं, 7:8 को क्या लिखूं परसेंटेज में, 7:8 चेंज इंटू परसेंटेज करो, कमेंट फटाक से कर दिया करो जल्दी से, इतना टाइम नहीं होता। मान लीजिए कहीं आया 2:3, कहीं आया 5:4, है ना, कहीं आया 7:8
दस आ गया मान लीजिए, या 7:20 आ गया, ऐसा कुछ आया। तो अनुपातों को परसेंटेज में चेंज करना हमें आना चाहिए सर। करते हैं, देखो कैसे करेंगे। 7:8 अर्थात 7/8 परसेंट इंटू किया सर, 700/8, 8×7=56, 8×8=64, 64 गया बचा कितना, 6×8=56, 87 सही, 4/8 अर्थात 1/2 मतलब 87 सही, 1/2%, 87 सही, 1/2%। आगे चलते हैं, 2:3 बिल्कुल सही है भानु, 2:3 मतलब 2/3 इंटू 100, देन 200 अपॉन डिवाइड बाई 3, 3×6=18, 3×6=18 बचा दो, 3×6=18 66.66% या 66 सही, 2/3%। 5:4 को बदला, तो 5/4 अनुपात को परसेंट में बदलना है, गुणा 100 का किया, 500/4 बोलो, 4×1=4 बचा 1, 4×2=8 बचा 2, 4×5=20 25, 125%, 125%। चलिए 7:20, 7/20 गुणा में 100, 20×5=100, 7×5=35%। आई थिंक आप सीख गए, आप चीजों को चेंज करना सीख गए हैं। अनुपात को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को अनुपात में बदलना। मान लीजिए कहीं होता, अब बात करते हैं परसेंट को चेंज इनटू रेशो, परसेंट चेंज इनटू रेशो, जैसे 12.5% को आपको अनुपात में बदलना है, मान लीजिए मैंने 25% ले लिया अनुपात में बदलना है, 60% को अनुपात में बदलना है, है ना, 62.5% को आपको अनुपात में बदलना है, मान लीजिए मैंने ले लिया 87.5% को आपको अनुपात में बदलना है, ये कुछ अनुपात बदलने के लिए ले लिए मैंने। तो याद कीजिए ये सब किस में है, परसेंट, देखिए परसेंट 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 याद आपको रखना चाहिए कि सर जब भी कहीं परसेंट का चिन्ह हटाना होगा, जब भी कहीं परसेंट का चिन्ह हटाना होगा तो हटाने के बाद बटे में 100 लगाना होगा। जब भी परसेंट, बेसिक तो देखिए आप कितना भी आगे बढ़ जाओ परसेंट में बेसिक तो यही रहेगा, इसे नहीं छोड़ सकते आप, भले आप कोई भी तरीके से पढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरीके से पढ़ लो बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही रहेंगे, ये चेंज होने वाले नहीं है। चलिए बात करते हैं, परसेंट हटानी है तो बटे में 100 लगानी है, लगाते हैं, करते हैं शुरुआत। 12.5 तो 12.5% हटाई बटे में 100, पॉइंट हटाया 0 तो 125/1000 25, 25×125 और 25×100 40, 5×5=40 अर्थात 1:8 क्या आ गया रेशो निकल गया 1:8। 25% हटाई बटे में 100, 25×25 हाँ 25×100 अर्थात 1:4। रेशो में चेंज करना है, 60% हटाई बटे में 100, 0 से 0, 2 से काटा 3 और 2 से काटा 5 अर्थात 3:5। ठीक, परसेंट में चेंज करना है, 62.5% हटाई बटे में 100, पॉइंट हटाया 0, 25 से काटा 25 बार और 25 से काटा 100, 5 से काटा 5×25, 5 से काटा 5×40 अर्थात 5:8। याद रखना ये चीजें आप जो सीख रहे हो ना ये आपके विशेष काम आने वाली चीजें हैं। आगे देखिए 87.5 बटे में 100, इनको तो मैं वैसे ही याद करा दूंगा आपको, 87.5 बार बार लिख लिख के याद हो जाएंगे। 5/8 इसका मतलब क्या था, याद है क्या था इसका मतलब, 7/8 याद हो तो 7:8 आएगा। करते हैं, पॉइंट हटाया 0 आ गई, 25 से काट लेते हैं, चलिए 25×75 अर्थात कितना बचा 12 है, 25×5=125, 25×100, 5×75=35, 7/8 मतलब 7:8। यहां तक हम चार चीजें सीख चुके हैं, क्या क्या सीख चुके हैं देखिए, पहले हमने सीखा भिन्न, सॉरी प्रतिशत को किसमें बदलना, भिन्नों में बदलना। दूसरी हमने जो चीज सीखी वो क्या सीखी, भिन्न चेंज इनटू प्रतिशत। तीसरी चीज हमने सीखी रेशो अर्थात अनुपात को किसमें बदलना, प्रतिशत। चौथी चीज हमने सीखी प्रतिशत को किसमें बदलना, अनुपात में बदलना। देखिए
परसेंट को भिन्न में बदलना, भिन्न को परसेंट में बदलना, भिन्न को अनुपात में बदलना, अनुपात को भिन्न में बदलना, है ना, ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए नॉर्मली। चलिए यहां से आगे चलते हैं। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट और, टाइम है हमारे पास, एक कॉन्सेप्ट और सीखेंगे हम। जब भी किसी चीज में वृद्धि या कमी करने के बाद कोई मान आपको दे दे, आज ही सीख लो इस चीज को, क्योंकि तो बाद में जब टाइप में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ये चीजें हमारे काम आएंगी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको आज बता रहा हूँ, सुन लीजिए। यदि किसी चीज में कोई भी मात्रा हो सकती है, वजन हो सकता है, द्रव्यमान कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, उसमें कोई परसेंट में वृद्धि या कमी करने के बाद का मान हमें दे दे और हमसे प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मान, प्रारंभिक संख्या, प्रारंभिक उसकी जो मात्रा है वो पूछ ले, मतलब बाद का देके, वर्तमान का देके और पहले की चीज पूछ ले, तो एक कॉन्सेप्ट है उल्टा करके गुणा करना है। जैसे एक मैं आपको लिख के बताता हूं, देखिए मान लीजिए कहीं आया कि किसी संख्या में, सुनना, किसी संख्या में छह पॉइंट 25% की, या मैं बिल्कुल एक सामान्य सवाल ले लेता हूँ जिसे आप बिल्कुल बेसिकली समझ सकते हैं चीज़ों को समझाने के लिए, बाकी 6.25 भी आएगा, 12.50 सब आएंगे। किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 36 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या थी? ए 20, बी 30, सी 40, डी 28। बिल्कुल बेसिक है, ज्यादातर बच्चों को आता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो समझाना चाह रहा हूं वहां पहुंची आप चीजों पे। मोनू राज, राम राम सर, राम राम मोनू जी। कोई संख्या है, ये ले ली संख्या, मैं 20% की वृद्धि की। अब सुनिए, जब भी हम वृद्धि या कमी करते हैं, 100 में जोड़ते हैं, 100 में घटाते हैं, कॉन्सेप्ट तो यही है। 20% की वृद्धि हुई तो कर दिया क्या, 100 + 20 परसेंटेज था, तो बटे में 100% हटाने के बाद, और बराबर में क्या प्राप्त हो रहा है हमें, बराबर में हमें प्राप्त हुआ 36, अर्थात संख्या मल्टीप्लाई 120/100 = 36, संख्या बराबर 36, गुना में ले जाऊंगा नीचे से 100 ऊपर और बटे में 120, संख्या बराबर 0 से 0, या ऐसा करते हैं 36 × 100/120, 0 से 0 12 + 36, 3 × 10 = 30, संख्या क्या प्राप्त हो गई, जो नंबर था, जो संख्या थी, वो हमें प्राप्त हुई 30। इसी कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल छोटा कर दीजिए, आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, क्या कि जब भी आपको, देखिए अब ये 36 वर्तमान में दे रखा है, वर्तमान मान दे रखा है और पहले का पूछा है, प्रारंभिक मान पूछा है, उल्टा करके गुणा, उल्टा करके गुणा कैसे, देखो सुनो, 36 तो आ गई अब की संख्या, गुणा 20% की वृद्धि होगी तो 100 में होगी, तो 100 + 20 120/100 होना चाहिए, लेकिन हम वर्तमान से पहले की चीज निकाल रहे हैं, तो उल्टा कर दो, 100/120, 0 × 0 = 36, 3 × 10 = 30 आ गया आंसर, आंसर आ गया। और वैसे अगर हम परसेंट में कन्वर्ट, देखिए मैं भिन्न लिखाऊंगा आपको कल, आपको कल भिन्न लिखाऊंगा मैं, जैसे 20% है हटाया, बटे में 100 आया, 20 × 100 अर्थात 1/5, इसका मतलब क्या है, 1/5 था, तो वो कहना चाह रहा है कि 1/5 की वृद्धि हुई, अर्थात 5 पे 1 की वृद्धि, और जब 5 पे 1 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, तो 5 और 1 = 6, इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 36 × 5, 1/5 की वृद्धि हुई, 5 पे 1 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 6/5 होना चाहिए, लेकिन प्रारंभिक से, सॉरी वर्तमान से प्रारंभिक मान निकालना, उल्टा कर दो, और जब मैं इसको उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 5/6 = 36 × 36 = 30 आ गया उत्तर। अब चाहे ऐसे करो, चाहे ऐसे करो, बस कॉन्सेप्ट ये याद रखना, करना उल्टा करके गुणा है, उल्टा करके गुणा करना है। 10-20 प्रश्न मैं और लिखाता हूँ यहाँ, 10-20 प्रश्न और लिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने चर्चा की
किसी संख्या में, किसी संख्या में 10% की वृद्धि करने पर 24.2 मान प्राप्त होता है। मान प्राप्त होता है, संख्या क्या थी। ठीक, अब देखिए करते हैं, संख्या क्या थी तो एक लाइन में निकालते हैं। अब मान क्या प्राप्त हुआ मुझे, अब मान प्राप्त हुआ 24.2। कितने परसेंट की वृद्धि करने पर, 10% की वृद्धि करने पर, तो वृद्धि या कमी 100 में जुड़ती है, 100 में घटती है, या फिर 10% का मतलब हो गया 1/10, 1/10 की वृद्धि, अर्थात 10 पे 1 की वृद्धि तो 11/10 हो गया। आप इसे उल्टा कर दीजिए, क्यों, वर्तमान से पहले का मान निकालना है तो उल्टा करूंगा, क्या कर दूंगा, 10/11, पॉइंट हटाऊंगा, बढ़ेगी 0, 0 से 0 कट, 11 × 2 = 22 और 11 × 2 = 22 आंसर आ गया 22। या फिर आप उस वेज से करना चाहते हो तो 24.5 × 10% की वृद्धि हुई तो 100 में 10 जुड़ा, 110/100 होना चाहिए, लेकिन वर्तमान मान से प्रारंभिक निकाल रहे हैं पहले का, तो उल्टा करके गुणा, उल्टा जवाब करोगे तो ये हो जाएगा 100/110। पॉइंट हटी, 0 लगी, 2 0 से 2 0, 11 × 2 = 22 बचा, 2 × 11 = 22 कितना आ गया, 22। बात समझ में आ रही है, अब की चीज से पहले की चीज निकालनी है, वर्तमान की चीज से यदि प्रारंभिक मान निकालना है तो उल्टा करके गुना करना है। क्लियर है मोनुतीस अनुप्रता 22, हाँ जो भी है बिल्कुल सही है। वर्तमान की चीज से यदि पहले की चीज निकालनी है तो हमेशा उल्टा करके मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है ना बात। और देखिए, अब मैं 2-3 प्रश्न लिख रहा हूँ, आप फटाफट जवाब दीजिए, सभी विद्यार्थी जो भी देख रहे हैं सभी जवाब दीजिए। मैं 2-3 प्रश्न लिख रहा हूँ, जैसे पहला, एक व्यक्ति के भार में, एक व्यक्ति के भार में 12/1/2% की वृद्धि हो जाती है तो उसका भार, तो उसका भार 72 किलो होता है। बताइए वृद्धि से पहले उसका भार कितना किग्रा था, कितना किग्रा था। एक व्यक्ति के भार में 12 पॉइंट, और ये भाग नहीं है बेटा, भार है, यहाँ पे भाग ना हो करके भार है, भार वजन वेट, भार में 12/1/2% की वृद्धि हो जाती है तो उसका भार 72 किलो होता है। बताइए वृद्धि से पहले उसका भार कितना किग्रा था, ये आपको बताना है। बताइए फटाक से क्या आएगा, देखिए वर्तमान वजन दे रखा है 72 किग्रा, कब आया, जब 12.5 की वृद्धि हुई। अब का मान दे रखा है, पहले का पूछा है, पहले कितना था, सीधा सीधा उल्टा करके गुना, 72 गुना। अब करना क्या है वो सुनिए, 12.5 का मतलब आपको याद होगा, मैंने आपको परसेंटेज याद कराई थी, 12.5% का मतलब क्या होता है, 12.5 का मतलब होता है 1/8। अब चलो मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बता देता हूँ, आप ढंग से याद करना इन चीज़ों को। 12.5 पॉइंट हटाया, बटे में पहले तो परसेंट हटाई 100 और बटे में ये 25 × 125 = 25 + 100 = 40 5 + 5 = 5 और + 8 = 40, तो 1/8, अर्थात 12.5 की वृद्धि हुई, इसका मतलब 1/8 की वृद्धि हुई, मतलब 8/1 की वृद्धि, 8/1 की वृद्धि हुई, 8/1 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 9 है ना। अब होना चाहिए 9/8, लेकिन वर्तमान की चीज से पहले की निकाल रहे हैं तो उल्टा करके गुणा कर दो, जल्दी कर दो, 8/9 = 9 8 = 72 8 8 = 64। पहले व्यक्ति का वजन था 64 किग्रा, कितना था, पहले व्यक्ति का वजन 64 किग्रा था।
क्लियर है चीजें। पहले व्यक्ति का वजन कितना था? 64 किग्रा था। और देखिए एक प्रश्न, चलिए और देखिए। किसी संख्या में 10% की कमी करने पर, बेहतर प्राप्त होता है तो संख्या क्या थी? फटाक से बता दो करके। अब इन प्रश्नों में समय नहीं लगना चाहिए, मैं आज आपको कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, ओनली कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट चल रहे हैं बस। तो आपको भी तुरंत उत्तर देना चाहिए। बताइए क्या आएगा? किसी संख्या में 10% की कमी करने पर बेहतर प्राप्त होता है, बताइए संख्या क्या थी? वर्तमान मान बेहतर हो गया गुणा 10% की वृद्धि हुई, 110 बटे कमी 80, बिल्कुल। भानु प्रताप 80, बिल्कुल सही है बेटा। चलिए देखिए, वर्तमान संख्या है बेहतर 72 इंटू 10% की कमी, 10% का मतलब 10% 2/100 अर्थात 1/10। भाई 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, 100 में से 10 मतलब 10 में से 1, 1/10 क्या हो रही है? कमी, 10 में से 1 की कमी हुई तो क्या बचा? 9/10। अब उल्टा करके करना है, गुणा कर दो 10/9, 9 8 72, 8 2 80, बोलो आंसर क्या आया? 80। आंसर क्या आ गया सर? 80 आ गया, 80, बिल्कुल राखी, बिल्कुल सही, 80 आएगा बेटा। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी समझना है साथ के साथ, देखो ये परसेंटेज वाला, बहुत आसान हो जाएंगी चीजें, बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। चलिए क्लियर है, तो यहां तक हमने क्या क्या पढ़ा वो देखते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं चीजों का। जीरो टू हीरो परसेंटेज पार्ट फर्स्ट की बात की, हमने परसेंटेज क्या होती है, प्रत्येक 100 पर काम में ली जाने वाली इकाई परसेंटेज कहलाती है। ये जो चिन्ह है वो है प्रत्येक 100 का, पर 1000 केजी लीटर जो भी होती हैं, 1000 ग्राम या 1000 मिलीग्राम पे, उनके लिए पर 1000 काम में लिया जाता है। प्रतिशत बट्टा लाभानी साधारण ब्याज चक्रव्याज सब इसी से पढ़ने वाले हैं। परसेंट लगानी है गुणा में 100, परसेंट हटानी है बटे में 100, वृद्धि कमी करनी है 100 में जुड़ेगा 100 में घटेगा। आगे चलते हैं, मैंने कुछ आपको प्रतिशत को भिन्नों में बदल के बताया, यहाँ कुछ बताई हैं, बहुत सारी बची हैं, है ना। कल मैं आपको ये नोट करवाऊंगा चीज़ें, आज मैंने हल्का सा आपको इसका परिचय दे दिया कि परसेंट को भिन्नों में ऐसे बदला जाता है। फिर हमने बात की परसेंट को भिन्नों में बदला, फिर उसके बाद हमने भिन्नों को कन्वर्ट किया परसेंट में, देखो फ्रैक्शन को, भिन्नों को किस में बदला? प्रतिशत में। आगे चले अनुपात को परसेंट में बदला, आगे चले परसेंट को अनुपात में बदला, फिर हमने ये एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जब भी वर्तमान से यदि हमें पहले का मान निकालना है, कब का? पहले का, तो उल्टा करना है और क्या कर देना है? गुणा। ये आपको याद रखना है, एंड तक बार बार नहीं बताऊंगा मैं ये चीज़ें, उल्टा करके गुणा कर देना है। इसके बाद हमने ये पढ़ा, अब सुनिए यहाँ से आगे मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसका आप जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, बस 5 के समतुल्य प्रतिशत है ए 0.5%, बी 0.05%, सी 0.005%, डी 500%। 5 के समतुल्य प्रतिशत है 0.5%, 0.05%, 0.005% या 500%। दीजिए फटाक से उत्तर, जल्दी से आंसर, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं इसका उत्तर दीजिए। राखी है, बानु है, मोनू है, गौतम है, नितेश जी, जो भी हैं उत्तर दीजिए, टीना, अभिनव, ईश्वर गुर्जर, जो भी लोग हैं, जो भी देखिए देख रहे हैं वो एक बार इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 के समतुल्य प्रतिशत है,
भानु प्रताप बी, भानु ने कहा है सर बी। चलिए और विद्यार्थी, देखिए सभी उत्तर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसी भी कोई समस्या नहीं है, आप एक बार आंसर दीजिए चीजों का। भानु ने आंसर दिया है सर बी आएगा, बिल्कुल भानु बहुत अच्छा लगा बेटा आपने जवाब दिया चीजों का। कुछ नहीं, पांच के समतुल्य प्रतिशत बताना है बस। अच्छा एक ही बच्चा लाए हुए क्या, देख तो इतने रहे, जवाब एक ही ने दिया है। चलो मत दो, हमारी इच्छा हो सकता है नहीं हो पा रहा हो। सोनू सिंह फौजदार, राम राम गुरुजी, राम राम भैया सोनू, राम राम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए देख लीजिए एक बार, प्रश्न क्या है, प्रश्न है पांच के समतुल्य प्रतिशत क्या होगी, पांच के समतुल्य प्रतिशत क्या होगी, सुन लीजिए सर, पांच के समतुल्य प्रतिशत, पांच को किसमें बदलना है, परसेंट में, जब भी परसेंट लगाते हैं तो गुणा किसका करते हैं, सौ का, पांच परसेंट में बदलना है, गुणा सौ का कर दो, कितना आएगा, 500% आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आज शुरुआत में यही बताया था, शुरुआत में सिखाया ही यही है मैंने, देखिए शुरुआत में ये सिखाया था कि परसेंट अगर लगानी है मुन्ना तो सौ का गुणा करना है, परसेंट यदि लगानी है तो गुणा किसका करना है, सौ का, परसेंट यदि लगानी है तो गुणा किसका करना है, सौ का। और आप यही भूल गए एंड तक पहुंचते पहुंचते कि परसेंट में यदि किसी चीज को बदलना है, पांच के समतुल्य प्रतिशत पूछा है, 500% आएगा, यदि पांच के समतुल्य परसेंट है, परसेंट में किसी चीज को बदलना है तो गुणा सौ, आठ के समतुल्य परसेंट 800, नौ के समतुल्य परसेंट 900%, 800%। तो याद रखिए, है ना, ये कब आता, बी कब आता बेटा, बी जब आता जब होता 5% के समतुल्य, 5% के समतुल्य संख्या होगी तो 5% हटाते बटे में 100 उत्तर आता 0.05, ठीक है, मैंने पूछा था 5 के समतुल्य परसेंट होगी तो उत्तर आएगा 500%। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ, और देखिए बहुत अच्छा लगा भानु, आप नाराज ना हो बेटा, बहुत अच्छा लगा कि आपने जवाब दिया, है ना, बाकी के लोग देख रहे हैं पर जवाब नहीं दे रहे हैं, आपने जवाब तो दिया कम से कम। चलिए, और आप सभी को मेरी तरफ से शुभरात्रि, आज गणेश चतुर्थी का पर्व था, सोचा क्यों ना इस पूरी एक श्रृंखला की शुरुआत करूं जिसमें प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, बट्टा, है ना, जो भी आपके टॉपिक हैं इससे रिलेटेड वो सब हो जाएँ, लाभ हानि सब चीज़, तो इसीलिए आज इसका प्रारंभ कर दिया है। अब लगातार सेशन रहेगा, परसेंटेज ये खत्म होते ही प्रॉफिट लॉस, वो खत्म होते ही बट्टा, वो खत्म होते ही फिर साधारण ब्याज, फिर आपका चक्रवृद्धि ब्याज, क्रम बाई क्रम सारे टॉपिक चलेंगे, ठीक है। तो आप सबसे लेता हूं मैं अब विदा, अस्मा सर क्या लिख रहा है भानु, चलिए कोई नहीं, देखिए आप सबसे लेते हैं विदा, मैं मनीष सोनी कल से फिर मिलूंगा आपको 7:45 पर आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और बेटा एक बात याद रखिए, लगातार पढ़ते रहिए, रेगुलर क्लासेस लीजिए, जो मित्र आपके हैं उनको शेयर कीजिए क्लास को ताकि वो भी हमसे जुड़ सकें। और चलिए भानु मेरी समझ में नहीं आ रहा है आप क्या लिख रहे हैं बेटा, चलिए तो आगे की बात करेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार, शुभरात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, जय हिंद और जय भारत।